पीसती हूँ फिर बताती हूँ आपको। नहीं पीसती क्या मम्मी बाप रे, क्या बोलते बोलना, क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम, सास बहू की जिंदगी में आप सबका स्वागत है। आ जाइए आइए। और आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मलीदा। हाँ, फाते के लिए भी बना रहे हैं और चाहिए आपको शेयर भी कर लेते हैं ना। हाँ, तो आज मैं शैनिला को भी बताऊंगी कि कैसा बनाते हैं मलीदा। क्योंकि हम जो बनाते हैं हमारी बहुओं को सिखाना जरूरी है ना। फिर आप भी सीखिए और देखिए। तो ये मैंने ली हूँ आटा, गेहूं का आटा है, नॉर्मल आटा है ये। इसमें मैं डालूंगी 1 कप रवा। ये मैंने 4 कप आटा ली हूँ। 4 कप आटे में 1 कप रवा डाल रही हूँ। और इसके लिए जो चाहिए वो है गुड़, जैगुअर, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बोलना, क्या बोलते हैं ये? जैगरी है, जैगरी जैगरी ली है मम्मी ने। हाँ, तो ये अपने आसान जबान में है ये गुड़। हाँ, जो मैंने ली हूँ 200 ग्राम। हाँ, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से ले सकते हैं कोई भी। ये इलायची पाउडर 1 चम्मच और घी मैं थोड़ा इसमें डालूंगी अभी आटे में और बाद में भी और डालूंगी होने के बाद। और नमक थोड़ा स्वाद अनुसार डालेंगे, स्वाद अनुसार से कम ही डालेंगे। ओके, ज्यादा नमक नहीं जाएगा ना, मीठी डिश है तो नहीं। तो अभी देखो मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ। पहले ये रवे को थोड़ा मिला देती हूँ। घी जाएगा इसमें 1, 2, 3, 4 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दी हूँ। और ये इलायची पाउडर भी डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरीके से गून लेती हूँ। ओके, मिक्स कर लेंगे इसको पहले अच्छे तरीके से। मिक्स कर लो और फिर गून लो आराम से। बहुत नॉर्मल आटा गूनना है, बहुत सख्त भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। ओके, तो मिलती हूँ आपको आटा गूनने के बाद। तो ये मैंने गून ली हूँ आटा, अच्छे से देख सकते हैं आप। और इसमें जो काले काले दाने दिख रहे हैं वो इलायची पाउडर के। हाँ, है ना, इलायची पाउडर डाल देते हैं। हाँ, इस पर अच्छे से मालिश करके 10 मिनट रख देती हूँ, थोड़ा रेस्ट देती हूँ, फिर बनाती हूँ रोटी। ओके ओके, तो ये हमारा आटा मस्त हो गया है, नरम, देख सकते हैं आप कितना अच्छा हुआ है ना। मम्मी इसमें तो नमक डालेंगे मगर? नहीं बेटा, मैंने पहले ही आटे में ही नमक डाली थी। अच्छा, हाँ, इसलिए वो तुमको नहीं गूंदने से पहले। हाँ, तो फिर अभी डबल डालूंगी तो ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, इसलिए सिर्फ बोली थी। ओके ओके, तो देखो ये आटा हो गया है। अभी इसके 4 बड़े बड़े गोले बनाती हूँ। कितने बचते हैं तो अभी ऐसे गोले बना के रख देती हूँ। मोटी मोटी रोटी बनाएंगे इसकी, क्योंकि इसको हम पीसेंगे। 5 बन के लगते हैं 5। ऐसे बनाएंगे। तवा भी मैंने रख दी हूँ गरम के लिए। पैन भी हो रहा है गरम, रेडी हो गए हैं पेड़े भी। 5 बन गए ना टोटल। अभी बेल लेती हूँ, मोटे मोटे रोटी बनाती हूँ। है ना, थोड़ी थोड़ी सेक लेती हूँ रोटी। पूरी नहीं सेकेंगे हम इसको। ये होने के बाद बताते हैं ना मम्मी। तो अभी एक बार जैसे हो गई है थोड़ी, तो अभी इसको पलटा के भी सेक लेते हैं। सेकने के बाद आपको बताती हूँ।
कैसी सेकी मैंने, है ना। हाँ तो ये मैंने दोनों बाजू से रोटी सेक ली हूँ, देख सकते हैं ना। अभी इसको निकालती हूँ और ये दूसरी भी डाल। ऐसे ही बाकी की भी करके ये चार पांच रोटी बना के आपको बताती हूँ। ओके ठीक है। घी डाल के सेक लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये सब जैसे मैंने रोटी सेक के ले ली हूँ और अभी इसमें मैं पीसूंगी। एक रोटी मैंने डाल दी हूँ इसमें तोड़ के, ये बाकी में भी डाल दी। टुकड़े करके डाल देंगे इसमें, गरम है इतना पीस लेती हूँ। अभी इसमें डाल दी हूँ, दो दो करके डालती हूँ और थोड़ा पीस ले देती हूँ और एक डाल देती हूँ इसमें रोटी, है ना। और फिर अभी आपको पीसती हूँ फिर बताती हूँ आपको। नहीं पीसती क्या मम्मी, बाप रे। ये सब रोटी पीस लेती हूँ मतलब इसका चूरा हो जाएगा, एकदम रवेदार बन जाएंगी ये, है ना। फिर बताती हूँ। ओके ये ऐसा मैंने पीस ली, देखिए ऐसा हो जाना चाहिए। अच्छा हुआ है। अभी और पीस सब पीसने के बाद फिर बताते हैं ना। तो ये देखिए मैंने ये सिर्फ सब रोटी को पीस ली हूँ, अब इसमें निकाल देती हूँ। कितने अच्छे से पीसे गए ना, रवेदार। अच्छा रवा डाले ना इसमें, रवे से अच्छा बनता है। अभी क्या डाल रहे मम्मी? अभी इसमें गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ मैंने ये छुरी से खींच ली थी। अगर इसमें आपको पाउडर चाहिए वो गुड़ का, हाँ रेडीमेड आता है वो भी डाल सकते हैं, पर वो ना ज्यादा ही डार्क, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन रहता है। हाँ ये ज्यादा अच्छा है। तो इसको हाथ से नहीं, छुरी से कुरच के मैंने रखी थी, ये डाल देती हूँ। आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज्यादा गुड़ ले सकते हैं इसमें। ओके ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। और ऊपर से घी भी डालते, रोटी को हमने आटे में भी घी डाले थे और रोटी पे भी घी लगा के सेके। अभी सबको मिक्स कर देती हूँ। हो गया हम लोग का मलीदा तैयार। ये हमारा मलीदा हो गया है तैयार। और जो मैं हाथ से मिला रही हूँ ये जो गुड़ है इसको थोड़ा ऐसा स्मैश कर रही हूँ हाथों से। ओके तो पूरा अच्छी तरीके से मिल जाएगा। और देखिए कितना नरम मुलायम बना है मलीदा, हाँ। ना हाँ। ये सब मिलाती हूँ और फिर रेडी हो गया, फिर आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ओके ठीक। बहुत टेस्टी बना है। अच्छा बना है। बहुत ही अच्छा बना है। आप इसमें मतलब गुड़ आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और सुबह में ना इसको अच्छा गरम करके मलाई वलाई डाल के खाना बहुत खा ही अच्छा लगता है। गरम दूध और घी भी और डाल के खा सकते हैं अलग से, हाँ, है ना। घी भी डाल और टेस्टी लगेगा। तो ऐसी अपने बच्चियों को बहुओं को लेकर बनाइए खाइए, है ना। जो अपनी मर्जी, जब दिल कुछ चाहे तो अपने बच्चियों के साथ मिलकर काम कीजिए और लेकर उनको चलिए बनाइए खाइए, है ना। सब घर वालों को भी खिलाइए, हाँ। और हमें दुआओं में याद रखिए, हाँ। और मेरे मुंह में है।
मैं उसका मजा ले रही हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी डिशेज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है सास बहू की जिंदगी के नाम से, तो प्लीज प्लीज वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए और हमारा वो पेज भी आप शेयर कीजिएगा, ठीक है? और हमारी पिछली सारी रेसिपी जाकर देखिएगा। हाँ। अगर आप सर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर अब हम आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। माशाल्लाह, जरूर बोलिएगा। अल्लाह हाफिज़।